आज हम अपने चैनल कल तक में नेताजी घोटालाराम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सभी लोग नेताजी घोटालाराम का इंटरव्यू देखिए। नमस्कार 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 नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों से आए हैं उनको भी नमस्कार, जो बसों में धुस धुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार और उनकी बहनों को विशेष नमस्कार। मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ और ये है हमारा असाइनमेंट। अच्छा 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 अच्छा, ये हमारे बॉडी गार्ड है नेताजी। बॉडी गार्ड नहीं, बॉडी गार्ड है। तू बन नेता यहाँ पर भाषण से। आइए नेताजी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। ये कैसा स्टूडियो है, यहाँ पे तो चार पाई नहीं है। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पर चार पाई नहीं, चेयर होती है। ये चेयर क्या नेताजी? छोटी चार पाई। अच्छा अच्छा, छोटी चार पाई, छोटी चार पाई। चलिए नेताजी, आपका इंटरव्यू शुरू करते हैं। ये इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा साक्षात्कार। बताइए नेताजी, आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? महाराज भाई इंडिया में हुआ। इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में कौन सा इलाका हुआ था? इलाका कौन कौन सा होता है? बताइए नेताजी, चांद पर पहला कदम किसने रखा? चांद पर पहला कदम अम्मा नेताजी। अम्मा होने का आराम कर रहा हूँ। बताइए नेताजी, चांद पर दूसरा कदम किसने रखा? वो नेताजी, आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? ये गवर्नमेंट क्या होती है यार नेताजी? सरकार। अच्छा अच्छा, सरकार सरकार। हमारी सरकार, हमारी सरकार तो भाई राम भरोसे चल रही है। राम भरोसे यानी भगवान भरोसे? वो राम भरोसे नहीं, ये राम भरोसे। लेकिन कैसे कैसे क्या? सारा काम ये मिल गए हैं, हम अंगूठा लगा रहे हैं। नेताजी आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या विचार है? डेमोक्रेसी क्या होता है नेताजी? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। सुनो, जनता के द्वारा जनता की ऐसी कैसी, इसी कहते हैं डेमोक्रेसी। नेताजी आपने जनता के लिए क्या क्या करवाया? क्या क्या करवाया? घोटाले के बारे में कुछ भी बता दो भाई। हमने पिछले महीने कंबल बंटवाए थे जनता को, गायों भैंसों को। आपने वोट जनता से लिए और गायों भैंसों को कंबल बंटवाए क्यों? उन्हें नहीं बंटवाते तो वो सर्दी में जाते हैं, आखिरकार दूध दोहने का पीते हैं। पिछले महीने गांव में आग लगी थी, उसमें आपका क्या योगदान रहा? उसमें भाई हमने जो घायल हुए थे उनको तो हमने शमशान का पहुंचा दिया, और जो मर गए थे उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उनके लिए हमने खास दम की टीम बनवाई थी, जो घायल हुए थे उनके लिए हमने 50 रुपए मुआवजा दिया था, और जो मर गए थे उनके लिए हम 10 रुपए मुआवजा। इससे ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। नेताजी आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है? हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह नेताजी, आप अपनी पार्टी की तरफ से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी पार्टी की तरफ से जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाओ, भारी बहुमतों से हमें विजयी बनाओ, जो दारू से ना माने उसे कॉफी पिलाओ। नेताजी पिछले महीने इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई थी? क्यों बढ़ी? कुछ भी बता देना चाहिए। ये कब से बताए जा रहे हैं? नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पे डीजे नहीं लगता। चलो ठीक है, अपना फोन दो। क्यों? हम वो अपनी रामवती को फोन करते हैं। बीच में माइक खड़ा दे, माइक करे, माइक दे भाई। एक माइक बस पास मुकाबला।
इसके अंदर है ये फोन निकाली हेलो रामजी हमारा आज तक चैनल वीडियो आ रहा है ये कैसे लग रहे हैं कौन रामजी ये कौन बदतमीज बात कर रहा है आप से कह रहे हैं पता नहीं कौन हेलो ये कौन बदतमीज बात कर रहा है ये कोई बेवकूफ था बेवकूफ बोल रहा है क्या है खत्म हो गया हमें इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गांव और देश के विकास के लिए अपना मन बहुत सोच समझ के देना चाहिए धन्यवाद वाह जी वाह बहुत अच्छा नाटक तो आप सभी ने देखा होगा नेताजी गोपालसर का इंटरव्यू जिसने नहीं देखा वो अपने घर जाकर देख सकता है धन्यवाद